तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग दो मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है यादुम और यावरम केलिर और दूसरी मूवी है पिछाईकरण 2। तो गाइस दोनों ही मूवीज़ एक डेट पर रिलीज़ की गई थी और दोनों ही मूवीज़ तमिल मूवीज़ हैं और दोनों मूवीज़ को रिलीज़ हुई आज 5वां दिन है। तो बात करेंगे ये दोनों मूवीज़ अपने आज के दिन पर कितना कलेक्शन कर रही हैं और दोनों मूवीज़ ने अब तक टोटल कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, इसकी भी बात करेंगे और मूवीज़ के बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं यादुम और यावरम केलिर मूवी की। तो गाइस ये भी एक तमिल मूवी है। मूवी के लीड रोल में आपको सुपरस्टार विजय सेतुपति देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट है 12 करोड़ रुपये, जो कि देखा जाए अच्छा बजट है। मूवी की अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो इस मूवी को रिलीज़ भी आई थिएटर्स में 5वां दिन है और इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया है। और पिछले 4 दिनों में जो इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से ग्रोस कलेक्शन, वो हो चुका है 5 करोड़ रुपये, जो कि इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है। मूवी के आज 5वें दिन के कलेक्शन की बात करूँ तो आज के दिन पर इस मूवी का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकल कर आ रहा है 1 करोड़ 15 लाख रुपए, जो कि देखा जाए ये मूवी आज के दिन पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। मूवी के टोटल कलेक्शन देखे जाए तो मूवी ने टोटल 5 दिनों में इंडिया से ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 6 करोड़ 15 लाख रुपए, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लिया है, क्योंकि इस मूवी का बजट 12 करोड़ है। और जिस तरह ये मूवी कलेक्शन करती जा रही है, बहुत ही जल्द ये अपना बजट कवर करने वाली है और एक सुपर डुपर हिट मूवी आसानी से बन जाएगी। बाकी इस मूवी के जो रिव्यूज़ हैं वो तो मिक्स देखने को मिले हैं। कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आई है और कुछ को ये पसंद नहीं आई। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी पिछाईकरण 2 की। तो गाइस ये एक तमिल मूवी है। मूवी के लीड में आपको विजय एंथनी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट है 30 करोड़ रुपए का, बड़ा बजट है। मूवी के कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी को रिलीज हुई आज 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में जो इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से ग्रोस कलेक्शन, वो हो चुका है 22 करोड़ 60 लाख रुपये, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लिया है। मूवी के आज के कलेक्शन की बात की जाए तो 5वें दिन पर इस मूवी का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकल कर आया है 2 करोड़ 80 लाख रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। वो यूँ इस मूवी के अगर टोटल कलेक्शंस की बात की जाए तो टोटल इस मूवी ने 5 दिनों में इंडिया से ग्रोस कलेक्शन कर ली है 25 करोड़ 40 लाख रुपये की, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया और 2 से 3 दिनों में ये अपना बजट आसानी से कवर कर लेगी। उसके बाद जो भी ये मूवी कलेक्शन करेगी वो इसका प्रॉफिट ही होने वाला है और कहीं ना कहीं ये एक सुपर डुपर हिट मूवी बनने वाली है। बाकी इस मूवी के रिव्यूज़ तो सारे ही पॉजिटिव में हैं और इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। इन दोनों मूवीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।